दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, कूड़े के पहाड़ को लेकर अब सियासत चलती नजर आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले घोषणा पत्र लाती है, जब पूरे नहीं कर पाती तो संकल्प पत्र ले आती है, और इसका जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। संबित पात्रा मैदान में कूदे और किस तरीके से बयानबाजियों का दौर चला, सुनवाते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे, फिर उस पर भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जहां तक गारंटी का सवाल है, जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे? जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रोंधा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बनके आम आदमी पार्टी उभरी है। तो यहाँ बीजेपी का कहना है कि गारंटी की बात छोड़िए, वारंटी भी नहीं है। तो अब आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है, रुक कर लेते हैं शुभांकर का बताने के लिए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कही गई हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जिनकी गिरफ्तारी वो सिसोदिया के करीबी हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए, कहा कि डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है, पेन ड्राइव में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल ऐसे हैं जो बदले गए हैं। ये भी आरोप संबित पात्रा ने लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 140 मोबाइल फोन पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए। साथ ही एक आरोप और बड़ा लगाया कि दो कारोबारी ऐसे हैं जिनसे 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने एडवांस लिए हैं। अब इन बयानों के तीर कैसे चले, कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, हम आपको सुनवाते हैं अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाओं से। मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है, किस प्रकार से परत दर परत ये परतें खुल रही हैं, और ये दो बिजनेसमैन के रिमांड लेटर को जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मीडिया ने रखा है। दो बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल दो बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। द कॉपी ऑफ द होल एक्साइज पॉलिसी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5th of July 2021 वॉज इन फैक्ट लीक्ड, इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को।